डॉग्स वफादारी की मिसाल होते हैं और इतना ही नहीं, अपने मालिक के लिए अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने मालिक के जान को बचाते भी पाया गया है। कई ऐसे भी कुत्ते हैं जिसकी वर्णन इतिहास में भी किया गया है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 कुत्तों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते माने जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर है एंटोलियन शेपर्ड। मजबूत मांसपेशियों वाले ये कुत्ता बड़े होने के साथ ही काफी शक्तिशाली भी होते हैं। टर्की में पाए जाने वाले इस कुत्ते की लंबाई 26 से 31 इंचेस होती है और उनका वजन 31 से 68 किलोग्राम होता है। इस कुत्ते का सर बड़ा और गोल आकार का होता है। एंटोलियन शेपर्ड कुत्ते अपने क्षमता और काम करने के तरीके से जाने जाते हैं। 9वें नंबर पर है सेंट बर्नार्ड। इस कुत्ते की लंबाई 69 से 89 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके वजन 73 से लेकर 170 तक होता है। सेंट बर्नार्ड कुत्ते का इस्तेमाल सिक्योरिटी एजेंसी और रेस्क्यू से जुड़े एजेंसी में भी होता है। 8वें नंबर पर है फ्रेंच मैस्टिफ। इस कुत्ते की लंबाई 20 से 23 इंचेस की होती है और इसका वजन 54 से लेकर 64 किलोग्राम का होता है। इसकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। फ्रेंच मैस्टिफ कुत्ते निडर होने के साथ ही शक्तिशाली भी होते हैं। और 7वें नंबर पर है द ग्रेट डॉन। यह सबसे बड़े कुत्ते की प्रजाति है। इस प्रजाति में शामिल फ्रेडी नाम का कुत्ते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फ्रेडी की लंबाई 7 फीट 5 इंचेस है और इसका वजन 200 पाउंड है। यह कुत्ता अपने मालिक से भी 2 फीट लंबा है। इस खास कुत्ते की देखभाल का सालाना खर्च 10 लाख रुपए होती है। 6वें नंबर पर है लियोन बर्गर। 26 से 32 इंचेस लंबे इस कुत्ते की वजन 40 से लेकर 77 किलोग्राम होता है। यह कुत्ता दिखने में शेर जैसे लगते हैं। इसकी नाक लंबी और ब्लैक होती है जबकि सर रेक्टेंगुलर शेप का होता है। 5वें नंबर पर है हल्क पिटबुल। शातिर होने के साथ काफी खतरनाक इस कुत्ते की वजन काफी ज्यादा होता है। इस कुत्ते की खाना प्रोटीन से भरा होता है। यह कुत्ता एक दिन में 4 किलोग्राम मीट खा सकता है। 4थे नंबर पर है द ग्रेट पिरिनीस। 52 से 59 किलोग्राम का यह कुत्ता 30 से लेकर 39 इंचेस लंबा होता है। ग्रेट पिरिनीस के शरीर में वेदर रेजिस्टेंस कोट होने की वजह से यह बहुत ही ठंडी जगह पर भी आसानी से रह सकता है। इस कुत्ते को अगर बचपन में ट्रेन किया जाए तो यह काफी खूंखार भी बन सकता है। 3रे नंबर पर है जोरबा द मैस्टिफ। इस कुत्ते का नाम सबसे बड़े कुत्तों में शामिल है। इस प्रजाति में कुत्ते का वजन 180 पाउंड होना आम बात है जबकि इस प्रजाति का जोरबा नाम का कुत्ते का वजन 230 था। लंबाई और वजन की बात किया जाए तो जोरबा बेशक याद किया जाता है। यह कुत्ता काफी होशियार और समझदार भी होता है। और इस लिस्ट के 2रे नंबर पर है नेपोलियन मैस्टिफ। यह कुत्तों की काफी प्राचीन प्रजाति मानी जाती है। इस कुत्ते की वर्णन इतिहास के पन्नों में भी पाया जाता है। इस प्रजाति का एक 2.5 साल के कुत्ते की वजन 225 पाउंड था जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। इस लिस्ट के 1ले नंबर पर है न्यूफाउंडलैंड। जेंटल जायंट के नाम से भी जाने जाते इस कुत्ते की लंबाई 27 से 30 इंचेस होती है। इसका वजन 60 से लेकर 70 किलोग्राम होता है। न्यूफाउंडलैंड के शरीर पर एक नहीं बल्कि 2 चमड़ी होती है। इसके ऊपर की चमड़ी को समय समय पर काटना पड़ता है। इसकी हड्डियों में भी काफी दम होता है। यह कुत्ता बेहतरीन तैराक भी होते हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में पुलिस द्वारा डूबते हुए लोगों को रेस्क्यू करने में भी इस कुत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यह कुत्ता बर्फीली पानी में भी तैर सकता है। न्यूफाउंडलैंड को बच्चों के साथ खेलना काफी पसंद होता है। तो आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग डॉग कौन सा लगा? आपका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। और ऐसे वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।